हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं एक और नया व्लॉग आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आज मैं हूँ सहारनपुर के साईं बाबा मंदिर में। दोस्तों आज मैं आपको साईं बाबा मंदिर के दर्शन पूरे कराऊंगा और साईं बाबा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि शायद आज तक आपको नहीं पता हो। तो दोस्तों चलिए ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है मंदिर की एंट्री। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, आप अपना कोई भी वाहन लेकर आ रहे हैं तो बाहर आप पार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना टू व्हीलर बाहर पार्क किया है तो टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए बाहर जगह बनी हुई है। ये मेरी मौसी हैं और उनके दोनों बच्चे हैं। ये एंट्री है साईं बाबा मंदिर की। दोस्तों इस जगह आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं और बाहर ही देखिए हाथ धोने का बना हुआ है। यहाँ पे है जूते चप्पल उतारने का, काफी लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं, यहीं पे आपको रखने होते हैं। बाहर आप हाथ धो सकते हैं, सामने आप देख रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था की हुई है साईं बाबा मंदिर सहारनपुर में। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी क्योंकि साईं बाबा मंदिर एक है ना बहुत ही प्यारी जगह है सहारनपुर में। बेहट रोड पे ये पड़ता है। आप जब भी बेहट रोड आएंगे तो आपको जरूर दिखेगा। दोस्तों मैं आपको ना साईं बाबा के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ, आप बताइएगा कि आपको पता है या नहीं। दोस्तों साईं बाबा को है ना बेसिकली ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग समान रूप से पूजते हैं। साईं बाबा बेसिकली एक भारतीय धर्म गुरु थे जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर भी पूजते हैं। उनके अनुयायी दोस्तों उन्हें फकीर, संत, योगी, सदगुरु मानते थे। क्या आपको पता है दोस्तों साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित है। कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई उन्हें मुस्लिम मानता है। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे। क्या आपको पता है दोस्तों ये अपने जीवन भर में सबका मालिक एक ही जप करते रहे। ये हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का पाठ सब लोगों को समान रूप से पढ़ाते रहे। दोस्तों मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के बाद जब आप बिल्कुल सामने जाएंगे तो आपको सामने साईं बाबा की ये मूर्ति दिखाई देगी जिसको देख के आपको बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। क्या आपको पता है दोस्तों कि शुरुआती समय में साईं बाबा मुस्लिम टोपी पहनते थे और अपना ज्यादातर समय उन्होंने महाराष्ट्र में स्थित शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही गुजारा था। दोस्तों क्या आपको पता है कि बाद में उनकी रहने वाली मस्जिद को हिंदू नाम द्वारका माई का कर दिया गया था, जिसमें दोनों धर्मों के लोग साईं बाबा के दर पर माथा टेकने आते हैं। दोस्तों साईं सदचरित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1838 को महाराष्ट्र में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी मौसी और उनके दोनों बच्चे साईं बाबा की बहुत ही पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं, भक्ति भाव से उनको नमन कर रहे हैं। दोस्तों कोई भी आपको दान देना हो तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, उनको आप दान दे सकते हो। बेसिकली जब आप साईं मंदिर में जो साईं बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हो तो ये आपको वहीं पे दान वाले जो बाबा हैं वो मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो साईं बाबा की बेसिकली रियल मूर्ति है, मतलब जहाँ पे बेसिकली साईं बाबा बैठे हुए हैं, वहाँ की तो फोटोग्राफी और वीडियो बनाना मना था तो वहाँ की मैं नहीं बना पाया। तो उसके बाद की मैं आपको सारी जगह दिखाऊंगा। अब दोस्तों जो हमारी मौसी हैं और दोनों बच्चे हैं वो तो पूरे भक्ति भाव से साईं बाबा की भक्ति करने में लगे हुए हैं। वो साईं बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं अपने लिए और पूरे विश्व के लिए दोस्तों। लेकिन मैं वीडियो बना रहा था और मैं आपको और साईं बाबा के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपको ये पता है या नहीं पता है। दोस्तों जो साईं बाबा थे ना वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी सन्यासी बनकर ही जीते रहे और वो नीम के पेड़ के नीचे हमेशा ध्यान लगाते थे। दोस्तों उस समय क्या था, जब साईं बाबा का जन्म हुआ था और उनके जन्म के बाद जो साईं बाबा थे उस समय वो धीरे धीरे साईं बाबा की जो ख्याति थी वो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में भी फैलने लगी। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साईं बाबा को ईश्वर की कुछ दैवीय शक्तियां भी प्राप्त थी क्योंकि ध्यान करते समय सर्दी या गर्मी का साईं बाबा के शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं दिखाई देता था। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना दोस्तों तो यहाँ पे काफी आपको भगवान मिलेंगे। उन सभी भगवानों के यहाँ पे दोस्तों घर बनाए गए हैं कि ताकि अगर वो भगवान कभी भी यहाँ पर साईं बाबा के मंदिर में आते हैं, वैसे तो उनका अपना ही है, लेकिन अगर कभी भी वो यहाँ पर आते हैं तो उनके दोस्तों विराजमान होने के लिए एक प्रॉपर उनको जगह दी गई है। तो मंदिर प्रांगण में ये चीज है ना बहुत ही प्यारी लगती है कि सभी भगवानों को बहुत ही समान रूप से हर जगह जगह दी गई है।
अच्छा दोस्तों, हमारी मौसी जी तो पूजा करने में लगी हुई है। मैं आपको आगे और चीजें बताता हूँ। दोस्तों, कई दस्तावेजों के मुताबिक है ना, साईं बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिनके बाद इनको एक सूफी फकीर द्वारा गोद लिया गया था। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी में एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया था। ये मैं साईं बाबा की बात बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों, जो साईं बाबा का जो नाम है ना साईं, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संत, जो कि उस दौर में मुस्लिम सन्यासियों के लिए ही कहा जाता था। और क्या आपको पता है दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमद जिले में स्थित शिरडी गांव में बने साई मंदिर में आज लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, साई बाबा हिंदू धर्म के थे या मुस्लिम धर्म के थे, इस बारे में ना तो आज तक कोई क्लियरिटी मिल पाई है, ना तो आज तक कोई ऐसी चीज पता चल पाई है, और शायद ना ही आगे पता चल पाए। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वो जो भी थे, वो भगवान के अवतार थे, और वो सबके लिए समान रूप से, समान भाव से वो हमेशा सबको शिक्षा देते रहे। तो उन्हीं की ये शिक्षा हमें आगे ले जानी है और हमेशा एकजुट होकर ही रहना है। कभी भी उनकी इस शिक्षा को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो अगर हम आज फॉलो करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा। दोस्तों, जब हमने यहाँ साई बाबा के पूरे दर्शन कर लिए तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है। मैं वो पार्क भी आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक अलग चीज़ देखी है पहली बार कि किसी मंदिर के साथ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। ये उस पार्क की दोस्तों एंट्री है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये तालाब भी बना हुआ है बीच में, यहाँ पे बत्तख भी रखी हुई है। मतलब रखी क्या हुई है, बत्तख हैं, असली बत्तख हैं। और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, अगर आप घूम घूम के थक गए हैं काफ़ी, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप, मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक होगा तो आप खाना पीना भी खा सकते हैं, अगर आप बहुत दूर से आए हैं और आपको भूख लग रही है। ये देखिए बत्तख कितनी प्यारी लग रही है, असली बत्तख है दोस्तों, नकली मत समझिएगा। और यहाँ पर आप घूम के आराम से घूम सकते हैं, हमने यहाँ पे काफ़ी फोटोशूट भी कराए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। कैसी लगी मेरी आपको यह वीडियो, मेरी यह पेशकश, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऑल बटन पे जाके घंटे को दबा देना, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।